हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स आर पॉलीमर्स। पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पॉलीमर्स है दैट हैव डिसोशिएटिंग ग्रुप्स इन देयर रिपीटिंग यूनिट, जिनके रिपीटिंग यूनिट में डिसोशिएटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होगी। यानी कि वो पॉलीमर्स जिसमें डिसोशिएटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगी उसको हम पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दे कंटेन आयोनाइजेबल ग्रुप अलॉन्ग द चेन, और उनके जो पॉलीमर का चेन है उसके अंदर आयोनाइजेबल ग्रुप होगा, कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि आयन के फॉर्म में है। नॉर्मली एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी इन सोल्यूशन, और ये जो प्रॉपर्टी है वो सोल्यूशन में दिखाता है नॉर्मली। दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम नॉन आयोनाइजेबल स्ट्रक्चर, जो कि उसे नॉन आयोनाइजेबल स्ट्रक्चर से डिफरेंट बनाती है दूसरे पॉलीमर जो कि आयोनाइजेबल नहीं है, जिनमें आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उनसे डिफरेंट बनाता है। यहाँ पे पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे सोडियम पॉलीएक्राइलेट है जिसके अंदर आयोनाइजेबल ग्रुप डिसोशिएटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एक पॉलीइलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरीके से एनियोनिक पॉलीएक्राइलामाइड है, यहाँ पर भी डिसोशिएटिंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और ये एक पॉलीइलेक्ट्रोलाइट है। लाइक ऑर्डिनेरी इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिवाइडेड इंटू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जैसे कि ऑर्डिनेरी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो एसिड बेसिस और सॉल्ट में डिवाइड होती है, उसी तरीके से जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको हमने पॉली एनाइंस, पॉली केटाइंस और पॉली सॉल्ट्स में डिवाइड किया है। द पॉली सॉल्ट्स आर मेड फ्रॉम रिएक्टिंग पॉली एसिड्स दैट इज पॉली एनाइंस विद मोनोमरिक बेस एंड वाइस वर्सा। जो पॉली सॉल्ट्स है वो जब हम पॉली एसिड्स को यानी कि पॉली एनाइंस को मोनोमरिक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पॉली एसिड्स मिलता है, या मोनोमरिक बेस को जब हम पॉली एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पॉली सॉल्ट्स मिलता है। द पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव एज बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पॉलीमर, जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी काम करता है और पॉलीमर की तरह भी काम करता है। लाइक रेगुलर सॉल्ट देयर सोल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, रेगुलर सॉल्ट की तरह एक नॉर्मल सॉल्ट की तरह उनका जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लाइक पॉलीमर्स देयर विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड पॉलीमर कंसेंट्रेशन, और एक पॉलीमर की तरह जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर वेट और पॉलीमर कंसेंट्रेशन पर डिपेंड होती है। In non-ionizing solvent, for example polyacrylic acid in dioxin, non-ionizing solvent में जैसे कि dioxin जो है वो एक non-ionizing solvent है, अगर उसके अंदर हम polyelectrolyte polyacrylic acid जो कि एक polyelectrolyte है उसको डालेंगे, the polyelectrolyte behave in completely normal fashion, जो polyelectrolyte है वो normally behave करेगा, but in aqueous solution they are ionized, लेकिन जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें वो आयन्स देते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज इन वाटर ट्रीटमेंट एज फ्लोक्यूलेशन एजेंट, फ्लोक्यूलेशन एजेंट की तरह जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, यानी कि पानी को साफ करने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है पहले ये पानी गंदा है, इसके अंदर अगर हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो आफ्टर वाटर ट्रीटमेंट ये पानी साफ होगा, तो वाटर ट्रीटमेंट में पानी को साफ करने में हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके दूसरे यूजेस है, दे आर आल्सो यूज इन शैम्पूस, हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स को शैम्पू, सोप्स और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं।